चैलुम के लिए आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेहतर शुदा करबला का चैलुम पूरी दुनिया के अंदर आज मनाया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया है। उसी तारागढ़ पर भी कल से ही अरबईन के चैलुम के प्रोग्राम शुरू हो गए थे, जिसमें ताज़िया कल 11 बजे ताज़िया को सवारी को मंजिल दी गई, बन्ने भाई से मंजिल दी गई, जो इमाम बारगाह में लेके आए। उसके बाद मजलिस अज़ा का प्रोग्राम शुरू हुआ जो रात भर चला। उसके बाद आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अरबईन चैलुम के मौके पर आज दिन में 1:30 बजे 2:30 बजे के करीब ताज़िए को सवारी को मंजिल दी गई और ये जुलूस हताई चौक डिग्गी चौक होता हुआ करबला के इख्तिताम 6:30 बजे के करीब इख्तिताम पे पहुंचेगा। ये मुहर्रम का लॉकडाउन की वजह से कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं बनाया गया था, लेकिन आज अल्लाह का करम है कि ये सारे हालात सही हैं, तो इस वजह से आज ये जुलूस बड़े अच्छे अदब और एहतराम के साथ पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। ये चैलुम, ये मुहर्रम, ये हमारा कोई पर्व नहीं है, ये एक एहतजाज है, पर एक श्रद्धांजलि है कि जो मजलूमों के साथ, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो जुल्म हुआ करबला के अंदर, उसको याद करके हम ये याद मनाए जाते हैं, उनकी गिरिया करते हैं, उनकी गरीबी पे रोते हैं। यही हमारा मकसद है और पूरी दुनिया में आज ये चैलुम का पर्व मनाया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर काफ़ी महाराष्ट्र के, गुजरात के ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और हर साल की तरह इस साल भी आए। वो 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं आ सके, लेकिन इस साल में काफ़ी तादाद में आए, नीचे शहर के आज़ाद भी आए। जिनके दिल में दर्द है और इमाम हुसैन की मोहब्बत है, वो हर साल आपके आज़ाद के अंदर शरकत करते हैं और हमेशा हमारी दुआ है कि हमेशा आते रहें, उनकी परेशानी सब दूर हों। आपका नाम और पता? मेरा नाम है सैयद मोहम्मद यूनुस, मेंबर इंतजामिया कमेटी दरगाह मीरा साहब तारागढ़।